slab reinforcement. Almost third span completed. Crash barrier work in progress. क्रैश बैरियर का स्टील यहाँ पे लगा रहा है, देख सकते हो पूरा एक जैसा एक लाइन में दिख रहा है। ये है उसकी लाइन दूरी लगा के वो स्टील बांध रहे हैं। लाइन देखो आप क्रैश बैरियर की, पूरा 0 to 0। यहाँ से भी दिखा देता हूँ मैं आपको इस एंगल से क्रैश बैरियर का सरिया कैसे दिखता है। ये देखो, अगर आप स्टील में आगे पीछे नहीं करोगे, एक लाइन में बांधोगे, तो आपको शटरिंग को दिक्कत नहीं होगी। ये देखो पीछे का भी हमारा क्रैश बैरियर, अभी शटरिंग आ रही है हमारी, तो क्रैश बैरियर में हम बैक टू बैक चालू करेंगे पीछे से। और ये है हमारा स्लैब, एक लाइन उधर से भी चल रही है, वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। ये हमारे स्टील वाले मिस्त्री अलग है, ये इसमें 16 का बाइंडर है क्रैश बैरियर के नीचे। ओ सर, और है कि वो क्या बोलते हैं, डाल देंगे? नहीं 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 नहीं, ऊपर नहीं आ रहा है ना। किसके ऊपर नहीं आ रहा? उठा उसको, चेयर लगी है। अच्छा, हाँ तो कोई बात नहीं, आगे करके सही कर लेना। हाँ हाँ चलेगा चलेगा, लेकिन तुम्हें पीछे खींचना पड़ेगा, पीछे खींचना पड़ेगा, और उसके बाहर से ही ये बंधेगा क्रैश बैरियर का। हाँ हाँ हाँ, क्रैश बैरियर स्टील सेंटर टू सेंटर 350 है, क्रैश बैरियर हमारा 450 का। से दूसरी वाली लाइन भी दिखा देता हूँ मैं आपको क्रैश बैरियर का। यह है सेकंड लाइन, दो पार्ट में बांट दिया है हमने। ये देखो क्रैश बैरियर की लाइन, और ये प्लूटो का टॉप बार प्लेसिंग, अभी इसकी मास्टरिंग प्लेस होगी। पीटो का टॉप स्टेल कैसा प्लेस हुआ है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अभी देखो इसकी अब मास्टरिंग प्लेस होनी जा रही है, मास्टरिंग प्लेस होगी, उसके बाद सफरिंग प्लेस होगी, उसके बाद उसकी बाइंडिंग होगी। अभी उसकी मार्किंग कर दी है, ये देखो आप चौक से देख सकते हो। ये देखिए आगे चल रही है हमारी स्टिचिंग। ये देखो सेफ्टी बेल्ट से काम पूरा, जो आउटर साइड में जो स्टिचिंग कवर कर रहे हैं, पूरा वर्क विथ सेफ्टी।